साल 2016 में ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी मोहन जोदड़ो नाम से, बड़ी चर्चित फिल्म थी। मोहन जोदड़ो के बारे में आपने कुछ न कुछ पढ़ा या सुना या फिल्म में ज़रूर देखा होगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था जो अपने बहुत ही सुव्यवस्थित होने के लिए, बहुत ही उस समय की परिस्थितियों में आधुनिक होने के लिए जाना जाता है। खुदाई के बाद देखने पर ऐसा लगता है जैसे मोहन जोदड़ो को बेहद ही आधुनिक नज़रिए को ध्यान में रखकर बसाया गया हो। मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण है मुअन जोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या आप जानते हैं सिंधु नदी के किनारे बसे इस उत्कृष्ट शहर की खोज किसने की थी? दरअसल आज उसी महान शख्सियत की जयंती है और उनका नाम है राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। राखल दास का जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल 1885 को यानी आज ही के दिन हुआ था। उनका पूरा नाम था राखलदास बंदोपाध्याय, पर लोग उन्हें आरडी बनर्जी के नाम से बुलाते थे। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनकी मुलाकात हरप्रसाद शास्त्री और बंगला लेखक श्री रामेंद्र सुंदर त्रिपाठी से हुई। इसके बाद राखलदास बंगाल सर्किल के पुरातत्व अधीक्षक डॉक्टर ब्लॉक से मिले, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अन्वेषणों और उत्खननों में काम करने का मौका मिला। 1910 में एमए करने के बाद उनको भारतीय पुरातत्व विभाग में उत्खनन सहायक के पद पर नौकरी मिल गई। साल 1922 में राखल दास एक बौद्ध स्तूप पर शोध काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने खुदाई करवाई और निकली मोहन जोदड़ो की प्राचीन सभ्यता। इस खोज ने राखल दास की जिंदगी बदल दी और उन्हें एक बेहतरीन भूगोल वेत्ता के तौर पर स्थापित कर दिया। जी, उनके अंतिम क्षणों में राखल दास की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा, कई किताबें लिखीं। चलिए जरा एक नज़र सिंधु घाटी सभ्यता पर भी डाल लेते हैं, जिसके लिए आज हम राखल दास को याद कर रहे हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली थी। ये पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकांगे दौर से पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी, जबकि इसका उत्तर दक्षिण विस्तार चिनाब नदी के किनारे मांडा से लेकर दक्षिण में भगत राव तक था। कुछ इतिहासकार सबसे दक्षिणी क्षेत्र के रूप में दैमाबाद को मानते हैं। इस सभ्यता की खोज साल 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। इसकी अवधि ईसा पूर्व 2600 से ईसा पूर्व 1900 के बीच मानी जाती है। इस सभ्यता के लगभग 1100 केंद्रों में से 924 केंद्र भारत में मौजूद हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, रोपड़, कालीबंगा, सुरकोटदा, बनवाली, आलमगीरपुर, चनहूदड़ो और कोटदीजी आदि इसके प्रमुख स्थलों में शामिल हैं। इसी में से मोहन जोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहन जोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ एक वृहत स्नानागार, शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर पाए गए हैं। ईसा पूर्व 2100 के बाद सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भाग धीरे धीरे खाली होते गए और पूर्वी भाग विकसित हुए। इस दौर में सिंधु सभ्यता में शहर कम, गाँव अधिक थे। इसकी कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें खराब मानसून को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। ईसा पूर्व 2150 के बाद कई सदियों तक यही हालात रहे। सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, यानी वर्तमान सभ्यता को इसकी क्या देन है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन तथा जल निकासी की व्यवस्था उस वक्त बेहतरीन हुआ करती थी। उस वक्त की सड़कें आयताकार ग्रिड पैटर्न पर थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसी प्रकार की नगर नियोजन आज के महानगरों में पाया जाता है। इतना ही नहीं, सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था आज के नगरों से बेहतर थी। धार्मिक विषयों की बात करें तो पशुपति की पूजा, लिंग पूजा, मातृदेवी की पूजा, जल की पवित्रता का विश्वास सिंधु सभ्यता की देन है, जो आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। मूर्तिकला और वास्तुशास्त्र में ये सभ्यता आज की सभ्यता की अग्रज रही है। विशाल स्नानागार, अनाज रखने का कोठार इसके महत्वपूर्ण स्मारक रहे। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी और इसके तत्व
आज भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।